वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। दिवाली डेकोरेशन के लिए कलश की ड्राइंग बनाने के लिए हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने बाउल रख के इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ से दो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर भी इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। कलश ड्रॉ करने के लिए इस तरह से सेंटर में हम कलश का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक डॉट्स यहाँ पे रखेंगे, एक डॉट्स यहाँ पे रखेंगे, एक डॉट्स यहाँ पे और एक डॉट्स यहाँ पे, जिसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। एक डॉट यहाँ पे रखेंगे और इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो ये लीफ का शेप हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे। दो लीफ बना दिए, तीसरा लीफ हम यहाँ पे बनाएंगे और चौथा लीफ यहाँ पे, जिसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। बीच में हम बैंगल रख के एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम साथिया ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने इस तरह से कार्डबोर्ड पेपर पे किया है, जिसको अब हम कट कर देंगे अकॉर्डिंग टू शेप। नेक्स्ट अब हम एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करेंगे। मैंने इस तरह से कैंची से ही कट कर दिया है, जो हम सबसे पहले तो बीच में इस तरह से कलर कर देंगे। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो सिंपली आप वाटर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्रेलिक कलर का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको सालों साल तक इसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा डस्ट वाला हो जाए तो एकदम स्लाइट कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको गीला करके आप उसको क्लीन कर सकते हो। तो एक ही डायरेक्शन में इस तरह से हमने कलर कर दिया है बीच में। ये सेमी ट्रांसपेरेंट साथिया दिख रहा है, जिसपे हम स्टोन और वो सब स्टिक करेंगे। कलश में हम गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। गोल्डन कलर की जगह पे आप ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर नीचे इस तरह से ब्लू कलर करने के बाद बीच में हम रेड कलर अप्लाई करेंगे। तो आप अपने हिसाब से, आपके पास जो कलर कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से आप इसमें कलर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम इस तरह की डेकोरेशन स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे, जो डायरेक्ट स्टिकी करनी है, स्टिकर जैसी होती है, और ये हर एक स्टेशनरी शॉप में अवेलेबल होती है। ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रेट है और बहुत ही लंबी है, इसीलिए हम सर्कल शेप के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से दो दो के ग्रुप में कट करेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से चिपकाते जाएंगे, ताकि ये परफेक्ट सर्कल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। सर्कल हो जाने के बाद इस तरह से दो स्ट्रिप हम यहाँ पे फेविकॉल से चिपका देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा फेविकॉल अप्लाई करेंगे। ये स्ट्रिप हम सिंपली इस तरह से प्लेस करेंगे रेड और ये जो ब्लू कलर है उसके बीच में। ये भले ही आपको यहाँ पे अभी फेविकॉल दिखे, लेकिन ये एकदम हाइड हो जाएगा। पीछे की तरफ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम दो ड्रॉप्स रख देंगे फेविकॉल के, जिससे ये आसानी से चिपक जाए इस तरह से। टेम्पररी आप इस तरह से सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि इसकी होल्डिंग अच्छी आए। सेलो टेप आप एज इट इज़ रख भी सकते हो, या तो फिर बाद में आप निकाल भी सकते हो, जैसा आप चाहो। इससे फटाफट स्टिक हो जाएगा। ऐसे ही हम नीचे की साइड भी कर देंगे। सो इसी तरह से यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप्स स्टिक कर दी है, जैसे हमने यहाँ पे ग्रुप में किया था वैसे ही। अब नेक्स्ट साथी के लिए मैं इस तरह के स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ।
है ना, ब्यूटीफुल। तो बस इसी तरह से हम वेस्ट में से बेस्ट इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हमने ड्रॉ किया, कलर किया। और साथ ही में ये जो आप रोज़ देख रहे हो, ये भी रेडीमेड मिलते हैं। आई थिंक 20 रुपीज़ का पैकेट है, जिसमें से हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। तो कम खर्चे में आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के लिए बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ये जो है तो पीछे की साइड आप इस तरह से सेरोटेप लगा के आप बाहर एंट्रेंस के पास ये आप चिपका सकते हो, और ये रीयूजेबल है। जब भी आप दिवाली ख़त्म हो जाए तो आप वापस निकाल के नेक्स्ट ईयर वापस पीछे की साइड सेरोटेप से यहाँ पे पीछे की साइड सी सेक्शन में सी शेप में इस तरह से सेलोटेप लगा के आप वॉल पे या तो फिर बाहर दरवाजे के आसपास इस तरह से लगा के डेकोरेशन कर सकते हो।